हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम आपको ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से बहुत ही बेहतरीन तरीके का वीडियो आप सिर्फ एक क्लिक में क्रिएट कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर भी देखने को मिल जाएगा जो कि अदर एप्लीकेशन में नहीं है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन है और कैसे काम करता है। इससे पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम जिस एप्लीकेशन के बारे में बात करें उसका नाम लोबी है। इसका डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगा, आप इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं कि हम अपने लोबी ऐप को ओपन कर चुके हैं। इसके बाद हम यहां चूज इमेज पर क्लिक कर लेंगे। चूज इमेज पर क्लिक करने के बाद हमारा गैलरी ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम यहां से कोई एक फोटो सिलेक्ट करेंगे जिस फोटो से हमें वीडियो क्रिएट करना है। तो चलिए हम यहां पे कोई फोटो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं कि हम अपना फोटो सिलेक्ट कर चुके हैं। इसके बाद हम इस फोटो को क्रॉप कर लेंगे, कुछ इस तरह से हम इसको क्रॉप कर लेंगे। फिर हम यहां टिक पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम सबसे पहले इस वीडियो में एक म्यूजिक ऐड करेंगे। म्यूजिक ऐड करने के लिए सिंपली मैं सिलेक्ट म्यूजिक पर क्लिक करेंगे और यहां से हम अपना म्यूजिक ऐड कर लेंगे। तो चलिए हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं कि हम अपने वीडियो में एक म्यूजिक ऐड कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा चेंज इमेज। अगर आप अपने वीडियो की इमेज को चेंज करना चाहते हैं सिंपली आप यहां से इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा पार्टिकल। यहां पे आपको बहुत सारे पार्टिकल देखने को मिल जाएगा। आपको जो भी पार्टिकल अच्छा लगे आप अपने वीडियो में उसको ऐड कर सकते हैं। यहां पे आपको बहुत सारे पार्टिकल देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम किसी एक को अपने वीडियो ऐड करके आपको दिखा देते हैं। जैसे हमें इसको ऐड करना है सिंपली हम इस पे क्लिक करेंगे, हमारे वीडियो में पार्टिकल ऐड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा कलर इफेक्ट। अगर आप अपने वीडियो में इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इफेक्ट भी देखने को मिल जाएगा। आपको जो इफेक्ट अच्छा लगे आप उसको अपने वीडियो में ऐड कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा इफेक्ट लास्ट वाला है, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा फिल्टर। अगर आप अपने वीडियो में फिल्टर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फिल्टर भी देखने को मिल जाएगा। आपको जो भी फिल्टर अच्छा लगे आप उसको अपने वीडियो में ऐड कर सकते हैं, हम इसको इसी रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कलर ओवरले। यहाँ से आप अपने कलर को मैनेज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेम। अगर आप अपने वीडियो में फ्रेम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्रेम भी देखने को मिल जाएगा। आपको जो भी फ्रेम अच्छा लगे आप उसको अपने वीडियो में ऐड कर सकते हैं, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है बीट। यहाँ से आप अपने बीट को स्लो और फास्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है मोशन। यहाँ पे आपको बहुत सारे मोशन भी देखने को मिल जाएगा। आपको जो भी मोशन अच्छा लगे आप उसको अपने वीडियो में ऐड कर सकते हैं, हम इसमें बीट शेक वाले मोशन को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है टेस्ट का। अगर आप अपने वीडियो में टेस्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। टेस्ट ऐड करने के लिए सिंपली मैं ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर हम इसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद हम यहाँ पे अपना टेस्ट टाइप कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम अपने टेस्ट को टाइप कर चुके हैं। इसके बाद हम इसकी फॉन्ट को चेंज कर लेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉन्ट भी देखने को मिल जाएगा। आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉन्ट भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेंगे। फिर हम यहाँ कंट्रोल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने टेस्ट को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हम इस टेस्ट को थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे। हम इसको यहाँ पे लाके कुछ इस तरह से हम इसको यहाँ पे रख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है विजुलाइजर का। अगर आप अपने वीडियो में विजुलाइजर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको भी ऐड कर सकते हैं। इसको ऐड करने के लिए सिंपली मैं ऐड पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे वीडियो में विजुलाइजर ऐड हो चुका। इसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से इसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको इसके वाटरमार्क को रिमूव कैसे करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक वाटरमार्क देखने को मिलेगा। अगर आपको इसको रिमूव करना है सिंपली आप इस पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ वॉच पे क्लिक कर लेंगे। वॉच पे क्लिक करने के बाद आपको एक एड वॉच करना होगा, तभी आपका वाटरमार्क रिमूव होगा। तो चलिए हम इसको वॉच कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा वाटरमार्क रिमूव हो चुका। अगर हमें इस वीडियो को सेव करना है सिंपली मैं सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारा वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए।